तुम? करोसुके, मेरे पास एक बढ़िया न्यूज़ है। क्या वो सी ब्रेम की बार्गेन सेल कर रहे हैं? नहीं, इतनी छोटी बात नहीं है करोसुके। तो सुनो, कल मैं अपने अंकल के घर निओबाशी गई थी कित्रेत्सु। अच्छा, मेरे अंकल पुराने समय के पिक्चर्स कलेक्ट कर रहे हैं। वहाँ मैंने एक ग्रेट डिस्कवरी की। हाँ, लेकिन वो क्या है? वो ये है, जरा देखो। अरे, इस पिक्चर में ऐसा क्या है मियो को? जरा इधर तो देखो। अरे, ये किसकी बैग है? हाँ, ये तो मैं हूँ। हाँ, ये तो करोसुके है। ये देखकर मैं बहुत सरप्राइज हो गई और अपने अंकल से ये मांग लाई। ये कब की पिक्चर होगी? ये एंशिएंट पीरियड में बनाई गई थी। कित्रेत्सु साइसेन के पीरियड की? कित्रेत्सु, चलो वहाँ चलते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कित्रेत्सु ये कौन है। कित्रेत्सु, टाइम मशीन कहाँ है? टाइम मशीन ज्यादा यूज करने की वजह से खराब हो गई है। शायद तुम ठीक कह रहे हो कित्रेत्सु। मगर अरे हाँ, अगर सिर्फ हम तीनों चले तो ठीक रहेगा ना? वो सिर्फ मुझे ही ले जा सकती है। मगर ये पिक्चर तो मैंने ढूंढी है। हम तीनों चलेंगे। ठीक है, फिर मैं मशीन को रिपेयर करता हूँ, उसके बाद हम तीनों वहाँ चलेंगे। मैं तैयारी करके आती हूँ। बूटा गोरीरा और टुंगारी को मत बताना। ठीक है। मुझे गिफ्ट लेकर जाना चाहिए। ये अच्छा रहेगा। एंशिएंट पीरियड में च्युइंगम तो नहीं होती होगी। एंशिएंट पीरियड में क्या नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं टोंगारी। क्या तुम फिर हमें बिना बताए कुछ करने की कोशिश कर रहे हो करोसुके? बाय बाय टोंगारी। अब हम तीनों इसमें बैठकर जा सकते हैं। सॉरी, मैं लेट हो गई। मियो को, ये एंशिएंट पीरियड के कपड़े हैं। अरे, तुम तो प्रिंसेस जैसे लगती हो। ऐसे मत कहो कित्रेत्सु। अरे अरे अरे, आई एम सॉरी। क्या कहा? मियोको ने आज किमोनो पहन रखा था। हाँ, सच में किमोनो पहनने का फेस्टिवल आ गया। नहीं बूटा गोरीरा, वो फेस्टिवल तो अभी बहुत दूर है। चुप रहो, मैं बहुत बिजी हूँ। मेरे पास ये सब यूजलेस बातों की रिपोर्ट्स मत लाया करो। और आज करोसुके च्युइंगम खरीद रहा था, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। क्या क्या कहा? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई टोंगारी? मैं भूल गया था। करोसुके जिस चीज को नहीं खाता है, आज उसने उस चीज को खरीदा और उसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मुझे तो ये बहुत अजीब बात लगती है। ये तैयार है, चलो अब चलते हैं। क्या तुमने वो पिक्चर ले ली है? हाँ, ले ली। स्टॉप स्टॉप, रुको रुको, बूटा गोरीरा। अच्छा, तो तुम हमें यहाँ पर पीछे छोड़कर जाना चाहते थे कित्रेत्सु? ये ठीक नहीं है। तो आखिर मेरा शक सही निकला? तुम साथ नहीं जा सकते। चुप हो जाओ, हम हमेशा इसी में तो जाते हैं। कित्रेत्सु, करोसुके, जल्दी से आकर लंच कर लो। मॉम हमें जाने नहीं देंगी, हमें जल्दी चलना चाहिए। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। तुम ब्रीथ मत करना। ये क्या कह रहे हो? मियोको, मियोको उठो। करोसुके, टोंगारी उठो। हम कहाँ पर हैं? मुझे लगता है हम एंशिएंट पीरियड में आ गए हैं। थैंक गॉड, आखिर हम यहाँ पहुँच ही गए। टाइम मशीन कहाँ है? हाँ, थैंक गॉड, मशीन बिल्कुल ठीक है। चलो चले। लेकिन क्या ये ठीक रहेगा कि हम इस तरह के कपड़े पहनकर यहाँ घूमें? एक करोसुके है जो बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा। हाँ, ये तो है।
हमें जल्दी से जल्दी किमोनो लेने चाहिए। अरे देखो वो रहे। हमें ये बिना बताए नहीं लेने चाहिए। जरा जल्दी करो कितरेत्सु। हाँ ठीक है। कोरोसुके तुम किमोनो में सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कितरेत्सु अलग है। तुम्हें भी ऐसे कपड़े पहन लेने चाहिए थे। बिना पूछे किसी के कपड़े लेना अच्छी बात नहीं है। ज्यादा स्मार्ट मत बनो तुम। मास्टर, मास्टर आप ठीक तो हैं? मास्टर, मास्टर, मास्टर आप कहाँ चले गए थे? आप ठीक तो हैं ना? आप कौन हैं? आपको अकेले प्ले देखने नहीं जाना चाहिए था मेरे मास्टर। तो इसका मतलब तुम सबने हमारे मास्टर को किडनैप किया था। असली तलवार। कितरेत्सु प्लीज कुछ करो। अभी खत्म कर दो इन सबको। कितरेत्सु आप गलत समझ रहे हैं। कोरोसुके तो हमारा दोस्त है। मैं सच कह रहा हूँ। चुप रहो बदमाश लड़के। तुम हमारे मास्टर को कोरोसुके कहकर बुला रहे हो। कोई भी बचना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ रुक जाओ। हमारे मास्टर ने कहा है इसलिए तुम बच गए समझे। हमारे मास्टर की वजह से तुम सबको माफ किया जाता है। अब भाग जाओ यहाँ से। तो क्या तुम कोरोसुके को वापस नहीं करोगे? खबरदार जो दोबारा ऐसी बात तुमने बोली तो। लेकिन कोरोसुके। अब तुम जाने दो। मैं जा रहा हूँ कितरेत्सु, तुम मेरी चिंता मत करना। आइए मास्टर चलिए इन सबको छोड़िए आइए। कोरोसुके, कोरोसुके। कितरेत्सु हमें कुछ करना चाहिए। चलो हम उनका पीछा करते हैं। ध्यान रखना वो हमें देख ना पाए। आप सभी को मुबारक हो। हमारे मास्टर वापस आ गए हैं, वो भी सेफली, इसलिए हम कल ही उनकी शादी करा सकते हैं। क्या कहा तुमने? किसकी शादी हो रही है? क्या आपको नहीं मालूम आपकी शादी मास्टर? क्या कहा मेरी शादी? लगता है वो यही है कितरेत्सु। ऐसा लगता है कि हम अंदर नहीं जा पाएंगे। मुझे भी यही लगता है। फिर से वही समुराई आ रहा है। चलो जल्दी से छुप जाते हैं। अच्छा हुआ मास्टर मिल गए, अब हम घर जा सकते हैं। हाँ पर क्या मास्टर प्ले देखने गए हैं? हाँ मास्टर प्ले देखने गए हैं। अगर हमने कोरोसुके को नहीं बचाया तो उसका क्या होगा? आइडिया, हम असली मास्टर को ढूंढते हैं। ऐसा करना ठीक रहेगा। लेकिन हम कहाँ ढूंढेंगे? वो लोग कह रहे थे कि मास्टर प्ले देखने गया है कितरेत्सु। हमें उस जगह चलना चाहिए जहाँ प्ले होते हैं। तुम ठीक कह रही हो मियोको। मुझे भूख लगी है। ओह इतनी मेहनत के बाद भी हम उसे नहीं ढूंढ पाए। हाँ ये वही जगह है। हाँ यही देखते हैं। अरे कोरोसुके की फोटो। इसी बात का पता लगाने के लिए हम यहाँ आए हैं बूटा गोरिरा। ये तो मास्टर हैं। अंकल क्या आप इसे जानते हैं? हाँ मैंने ही तो ये पिक्चर बनाई थी। आप सच कह रहे हैं? हाँ मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा नाम उटागावा हाइटिमारो है। आप तो फेमस आर्टिस्ट हैं। हो तो क्या तुम मुझे जानते हो? मैं एंशिएंट पीरियड की पिक्चर्स बनाता हूँ। हे डोंगारी सच सच बताओ क्या तुम इसे जानते हो? अगर हम इसकी तारीफ करेंगे तो काम बन जाएगा। हाँ जरूर। मगर मेरी ये समझ नहीं आता कि ये इतनी पुरानी कैसे हो गई? वो इसलिए क्योंकि ये 130 साल पुरानी है। आ? वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ अंकल कि आप बहुत फेमस हैं। वो तो पर तुम यहाँ कैसे? हमारे पैसे गुम हो गए हैं और हम बहुत मुसीबत में हैं। और हमें भूख भी लगी है अंकल। तुम मेरे घर खाना खा सकते हो। ये सुनो कितरेत्सु जल्दी इधर आओ। ये इतना अजीब सा दिखने वाला लड़का कौन है? खाना खाने के बाद हम आपको उसके बारे में सब बता देंगे। खाने खाने शुक्रिया।
आप तो काफी फेमस हैं, लेकिन फिर भी इतने छोटे घर में क्यों रह रहे हैं? ऐसे मत कहो। कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता था, वो तुम्हारे फ्रेंड के बारे में है। मैं वो बात जानता हूँ जो लोग नहीं जानते। हाँ, लेकिन कौन सी बात? यही बात कि पैलेस का मास्टर ह्यूमन बीइंग नहीं है। देखो, बात ये है कि यहाँ के राजा का कोई बच्चा नहीं है, इसलिए उसने एक डॉल मेकर से बिल्कुल असली दिखने वाला एक मास्टर बनवाया। शायद इसीलिए गलती से वो अपने साथ कुरुसुके को ले गए। हाँ, मैं भी सोच रहा था, ये अजीब है कि वो मास्टर है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो कुरुसुके असली मास्टर बन जाएगा और बहुत गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज कित्रेत्सु, मुझे यहाँ से निकाल लो। क्वेश्चन अपनी आंखें नीची करो, प्रिंसेस आ रही हैं। अपनी आंखें उसके अंदर प्रिंसेस बैठी हुई हैं। हाँ, मैं तो सिर्फ एक बार कोरसुके की वाइफ को देखना चाहता हूँ अंकल। लेकिन इस तरह से तो पैलेस के अंदर जाना बहुत मुश्किल होगा। अब हम क्या करेंगे? हमें असली मास्टर को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। प्रिंसेस, आपको कैसा लग रहा है? हाँ, प्रिंसेस, रुक जाओ सब लोग। ये क्या, प्रिंसेस गायब हो गई है? उन्हें ढूंढो, जल्दी जल्दी करो। अरे ये क्या, प्रिंसेस तो गायब हो गई है। ये सब क्या हो रहा है? हाँ, ये सब क्या है, हम तो मुसीबत में फंस गए हैं। मुझे किसी भी तरह कोरोसुके को बचाना होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मुझे छुपा लीजिए। मास्टर वहाँ पर नहीं है और प्रिंसेस भी गायब हो गई है। मैं सोच रहा हूँ कि वो आखिर है कहाँ। जब तुम दरवाजा खोलते हो तो वो आदमी तुम्हारे सामने होता है, टीवी में देखा था। क्या ये सच है? ये क्या? प्रिंसेस आप कहाँ है? प्रिंसेस यूकी आप कहाँ है? हाँ, तो क्या ये सब सच है प्रिंसेस? ये सच है, मेरे पैदा होते ही ये फैसला हो गया था कि मेरी शादी मास्टर से होगी। नहीं, मैं नहीं मानता, ये बात सच हो ही नहीं सकती। अगर ऐसा है तो बहुत गलत है। लेकिन अब क्या करें, अब तो मास्टर की शादी नहीं हो सकती। हमें वहाँ जाकर कुरुसुके को बचाना होगा। लेकिन कित्रेत्सु, हम सब पैलेस के अंदर कैसे जाएंगे? आइडिया। मुझे महल में जाने का एक शानदार आइडिया आया है कित्रेत्सु। प्रिंसेस योकी, प्रिंसेस आप कहाँ हैं? प्रिंसेस आप कहाँ हैं? प्रिंसेस वहाँ पर हैं। प्रिंसेस वहाँ पर हैं। कहाँ पर? प्रिंसेस योकी तो गायब ही नहीं हुई थी, वो वहीं पर हैं। क्या कहा? प्रिंसेस, प्रिंसेस आप कहाँ चली गई थी? कोई बात नहीं, चलो जल्दी पैलेस में चलो। सुनो, मुझे शादी नहीं करनी है, समझ गए तुम? आप एक बार उन्हें देखेंगे तो आपको जरूर पसंद आएंगी। मास्टर, थोड़ी ही देर में प्रिंसेस युकी यहाँ पर पहुँचने वाली हैं। क्या वाकई? उन्हें अंदर लेकर आओ। प्लीज शांत रहिए मास्टर, प्लीज। मुझे अकेला छोड़ दो। प्रिंसेस आ रही हैं, आंखें नीची करो। इधर प्रिंसेस, इधर प्लीज। ये साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, कंग्रेचुलेशंस मास्टर। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। फिक्र मत करो मास्टर। कित्रेत्सु, मैं तुमसे मिलना चाहता था, मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। ऐसा लगता है मास्टर को प्रिंसेस बहुत पसंद आई है। हाँ, सच में मास्टर बहुत खुश है। तुम सब यहाँ मुझे अकेला छोड़ दो। कित्रेत्सु, मेरा मतलब प्रिंसेस यूकी के साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप दोनों लोग गार्डन में क्यों नहीं घूम लेते? मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे ऐसे कपड़े पहनना अच्छा लग रहा है? कुरुसुके, हमें एक कपल की तरह बिहेव करना है।
तो अब मैं क्या करूँ कितरेत्सु? मियोको और बाकी सब टाइम मशीन के पास वेट कर रहे हैं। इन्हें कहो कि हम शहर घूमना चाहते हैं, फिर हम भाग जाएंगे। हाँ ठीक है मास्टर। हाँ? सेरेमनी शुरू होने वाली है। कुरुसुके बोलो इनसे। रुको। ये प्रिंसेस नहीं है। ये प्रिंसेस नहीं है। रुक जाओ। गार्ड्स पकड़ो उसे। पकड़ो उसे। मेरा बॉय, मेरा बॉय। अरे बदमाश पकड़ो इसे। अरे वाह। तो क्या आम लड़कियां इस तरह के कपड़े पहनती हैं? बोलो। आपने ठीक कहा, लेकिन 130 साल के बाद वो इससे भी ज्यादा लाइट कपड़े पहनेंगी। लेकिन तुम फ्यूचर के बारे में कैसे जानते हो? टंगेरी, इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड चीजों के बारे में बात मत करो। ठीक है बूटा गोरिल्ला। कितरेत्सु सब कुछ कैसे मैनेज कर रहा होगा? चलो हम जल्दी से टाइम मशीन तक चलते हैं। मैंने कितनी बार कहा कि मैं किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं यहाँ फ्यूचर से आया हूँ, 130 साल बाद से। तुम दोबारा से झूठ बोल रहे हो, इसके टुकड़े कर डालो। ठीक है। रुक जाओ, ऐसा मत करो, इसे छोड़ दो। मास्टर रुक जाइए, इस आदमी ने आपको चीट करने की कोशिश की है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। चलो आगे बढ़ो। जी मैं कहता हूँ रुक जाओ। नहीं मुझे मत मारो। रुक जाओ, ये देखो। आखिर क्या हुआ? तुम्हें पता है इस लड़के ने जो कपड़े पहने थे वो कपड़े असल में प्रिंसेस यूकी के कपड़े थे। क्या? इसका मतलब ये लड़का जरूर जानता है कि इस वक्त प्रिंसेस यूकी कहाँ पर है। क्या सचमुच? इन्हें बता दो कितरेत्सु, मुझे मालूम है। लेकिन हाँ, प्रिंसेस यूकी ने कहा कि वो वापस तभी आएगी जब कोरोसुके मतलब मास्टर उन्हें लेने जाएंगे। तो ठीक है, मैं उसे लेने जाऊंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप ही उन्हें लेने जाइए। हाँ जल्दी चलो। अरे ये तुमने क्या पहना है? ये उनसे ज्यादा कंफर्टेबल है। वैसे मैं पहली बार इतनी अजीब और गरीब गाड़ी देख रहा हूँ। तुमने क्या नाम बताया इसका? इसका नाम है द फ्लाइंग बाथटब। ओह अच्छा। तुम ये उल्टी सीधी बातें करना बंद करो बूटा गोरिल्ला। अगर मैं उसे टाइम मशीन बताऊंगा तो क्या वो समझ जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल। सुनो। क्या बात है? इसके अंदर कोई है। कोरोसुके। अरे ये क्या? कोरोसुके तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन ये तो कोरोसुके से बेटर है। ये भी तो हो सकता है कि यही असली मास्टर हो। अरे द मास्टर, ये तो खड़ा हो गया। तुम कौन हो जो मेरे सामने खड़े हो? हाँ यही है, सिर्फ मास्टर ही ऐसे बात कर सकता है। क्या? तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? आपके भाग जाने की वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलों को झेलना पड़ा, शायद आपको ये बात मालूम नहीं है मास्टर। लेकिन आप भाग क्यों गए थे मास्टर? मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकता, ये सब मैंने प्रिंसेस यूकी के लिए किया। मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी एक डॉल से हो जाए, इसीलिए मैं भाग गया। इसलिए? मास्टर ऐसी बात नहीं है मास्टर, मैंने भी अपने घर से भागकर बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दो। अरे वाह बहुत बढ़िया, ये भी भाग गई थी। पर अगर मुझे पहले पता होता कि मास्टर इतने अच्छे हैं तो मैं कभी भी नहीं भागती। तो क्या तुम ही हो? हाँ मास्टर, मेरा ही नाम यूकी है, आपकी प्रिंसेस। हाँ? कमाल है, इन दोनों की शादी होने वाली थी और इन्होंने एक दूसरे को देखा तक नहीं। अरे जरा उधर देखो। कितरेत्सु कितरेत्सु कितरेत्सु। अरे तुम सब कितरेत्सु। अरे ये क्या, एक और मास्टर? प्रिंसेस यूकी। घबराओ मत, असली मास्टर मैं हूँ। अब कैसे पता चलेगा कि असली मास्टर कौन है? आखिर हम मिल ही गए। तुम्हारा नाम क्या है? कोरोसुके। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम किकुचियो है। हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, ये लो। लेकिन ये है क्या? इसे ऐसे खाओ। अरे वाह ये तो कमाल की चीज है। प्लीज मुझे भी एक दे दीजिए। नहीं प्रिंसेस, आपको ऐसी अजीब चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। आपको ये सब नहीं खाना चाहिए, इन सब को पकड़ लो।
वहीं रुक जाओ, ये सब मेरे दोस्त हैं। आप इन्हें कुछ नहीं कहेंगे। प्रिंसेस। क्या प्रिंसेस? ये नहीं हो सकता, आप रास्ते से हट जाइए। मास्टर। ये क्या? नहीं, प्रिंसेस। चलो सब लोग टाइम मशीन पर चले। चलो चलते हैं। बाय बाय, आपको शादी मुबारक हो। बाय बाय, ध्यान रखना। तुम भी ध्यान रखना। सके, लेकिन वो तुमसे बहुत अच्छा था, समझे? एक बात बताओ, मुझसे बेहतर कोई नहीं है। क्या कॉन्फिडेंस है। वैसे कोरोसुके, तुम्हारे च्यूइंग गम ने हम सब की जान बचा ली, वेरी गुड। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अब तुम जाने दो, ज्यादा स्मार्ट मत बनो तुम। मैं हमेशा समझदारी से शॉपिंग करता हूँ।